हेलो माय डियर्स, आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ एक खास वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है एक ही नाम से दो फोल्डर को अपने कंप्यूटर में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक ही जगह एक ही लोकेशन पे एक सेम नेम के दो फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। ड्राइव ओपन करने के बाद में देखिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर आपको फोल्डर बना के दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट ए न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे आएंगे। इस तरीके से भी आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एक फोल्डर मैं पहले क्रिएट कर दे रहा हूँ, RCTI ज्ञान के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। ये यहाँ पे देखिए एक फोल्डर क्रिएट हो गया। इस तरीके से एक फोल्डर मुझे और भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर यानी उसी तरीके से एक राइट क्लिक करके न्यू पे आएंगे और यहाँ पे फोल्डर इस तरीके से देखिए उसी के जस्ट बगल में एक फोल्डर और मैंने क्रिएट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑल्ट बटन दबाना है 0160, यानी एक स्पेस का कोड आपको लगा देना है जिससे कि एक स्पेस लिख जाता है और फिर से आप वही नाम लिख सकते हैं, RCTI ज्ञान। इस तरीके से देखिए यहाँ पे सेम नाम का दो फोल्डर, एक यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैं बगल में कर दे रहा हूँ एक, देखिए दोनों नाम सेम नाम के दो फोल्डर इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में क्रिएट कर सकते हैं। केवल ऑल्ट बटन दबा के 0160 ऑल्ट बटन आप दबाए रहेंगे, 0160 आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपका एक स्पेस हो जाएगा और उसके बाद आप नेम टाइप कर देंगे। तो सो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की और भी वीडियो लगातार मिलती रहे। थैंक यू, फिर